वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज लेटेस्ट न्यूज़ में एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। महंगाई भत्ते में फिर एक बार जबरदस्त उछाल के बाद कर्मचारी व पेंशनरों के वेतन पेंशन में बड़ा इजाफा। हाल में कैबिनेट मीटिंग में हुई घोषणा में डीए में बंपर बढ़ोतरी के साथ बकाया डीए एरियर का भुगतान इसी महीने। लंबे समय से मांग कर रहे कर्मचारी पेंशन भोगों का इंतजार हुआ खत्म। पेंशन भोगी मंच के लगातार दबाव के चलते प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे मांग पत्र पर आखिरी फैसला। 18वां बकाया एरियर भुगतान के साथ 2.5 लाख तक की राशि एक साथ जमा। फ्रीडम फैक्टर के 3.46% होते ही न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये। आइए जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगों से संबंधित अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। केंद्र सरकार बहुत जल्द अपने कर्मचारी महंगाई भत्ते में दोबारा वृद्धि कर सकती है। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार मार्च के महीने में AICPI इंडेक्स में 1 पॉइंट उछाल देखने को मिला है, जिससे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्द अपने कर्मचारियों की डीएम बढ़ोतरी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो पुणे एक बार महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों को देखने के बाद ही सरकार अपने अंतिम निर्णय पर विचार करेगी। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि AICPI इंडेक्स आंकड़ों में ऐसे ही उछाल आगामी महीने तक जारी रहा तो जुलाई में कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल में कर्मचारियों को 34% डीए का लाभ मिल रहा है। यदि इसमें 3% की बढ़ोतरी हो जाती है तो यह बढ़कर 37% हो जाएगा, जिसके बाद लगभग 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 65 लाख ज्यादा पेंशन धारकों को इसका बखूबी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से डीए को लेकर बड़ी जानकारी दी गई। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपने अटके हुए डीए का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कर्मचारियों को डीए का वन टाइम सेटलमेंट करेंगी, यानी आपके खाते में करीब 18 महीने का डीए एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक का एरिया सरकार ने रोक लिया था, जिसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक DOPT और वित्त मंत्रालय व विभाग के अधिकारियों के साथ जेसीएम की ज्वाइंट मीटिंग जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि इस मीटिंग में कर्मचारियों के लटके हुए डीएल पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सरकार इस एरिया को लेकर कोई बड़ा अपडेट दे सकती है। इसके साथ साथ फिटनेस फैक्टर को लेकर भी आई जबरदस्त खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी महीने सरकारी कर्मचारी फिटनेस फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में लंबे समय से फिटनेस फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में इजाफा होगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटनेस फैक्टर 2.57% से बढ़ाकर 3.68% की मांग की जा रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की मांग मान लेती है तो उनकी बेसिक सैलरी में करीब 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाए।